आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। बामसेफ के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न देशों में कार्यकर्ता कार्यरत हैं। हाल ही में नेपाल के कार्यकर्ताओं से संवाद संपर्क किया गया। 27 अगस्त को बामसेफ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डी आर आर्य एवं नेपाल के फुले अम्बेडकरी आंदोलन के साथी वीर बहादुर महतो के साथ वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। भारत उपम द्वीप में ब्राह्मणवाद का जहर फैला है। नेपाल और भारत में यह चरम सीमा पर है। भारत जैसे नेपाल में भी जाति आधारित भेदभाव होता है। इस ऊंच नीच और गैर बराबरी की भावना को खत्म करने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ऐसे विचार मान्यवर डी आर आर्य जी ने प्रस्तुत किए। इस वर्चुअल मीटिंग में मान्यवर चंदेश्वर दास, मान्यवर नाज, मान्यवर लायन आर एस महतो, मान्यवर केशव शाक्य, मान्यवर डॉक्टर एल जे कानेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी संघ, मान्यवर सी पी सिंह, मान्यवर आनंद कुमार राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी संघ, मान्यवर एस आर मौर्या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, मान्यवर सुरेश द्रविड़ राष्ट्रीय संगठक सचिव बामसेफ, मान्यवर उमेश चंद्र गोंड राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी संघ, माननीय कमला हेमचुरी आदिवासी कल्याण समिति नेपाल के साथियों ने भाग लिया। अपने विचार रखते हुए सोशल मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल करने की सलाह मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर उमेश चंद्र गोंड इन्होंने दी। फुले अम्बेडकरी आंदोलन चलाने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस पर मान्यवर बैठक में उपस्थित एस आर मौर्या जी ने प्रकाश डाला। वही डॉक्टर एल जे कानेकर जी ने दलित शब्द का प्रयोग न करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने फुले, छत्रपति शाहू और अम्बेडकर के संघर्षों पर विस्तार से चर्चा की।